बुलंदशहर में सोमवार को पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या ने सभी को हिलाकर रख दिया। पुलिस की शुरुआती जांच और वहां मौजूद लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। हत्या का मकसद था इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलाना। गोकसी के शक में लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहां गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दी, जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इंस्पेक्टर के सिर में गोली मारी गई, वहीं 20 साल के सुमित की मौत पुलिस की फायरिंग से हुई। घटनाक्रम पर नजर डालें तो इसे संयोग ही कहा जाएगा कि आसपास हो रही कुछ चीजें आपस में जुड़ी हैं। महाप नाम के जिस गांव में घटना हुई वहां सबसे पहले पहुंचने वाले प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार राजकुमार भास्कर थे। उन्होंने कहा कि गन्ने के खेत में गोमांस लटक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हैंगर में कपड़े लटक रहे हों। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा। हर कोई राज्य में मौजूदा हालात से वाकिफ है। तहसीलदार ने कहा कि जैसे ही इलाके में गोमांस की बात फैली, हिंदू युवा वाहिनी, शिवसेना और बजरंग दल के कुछ सदस्य घटना स्थल पर पहुंच गए और वो नारे लगाकर विरोध करने लगे। भीड़ ने इसके बाद गोमांस को ट्रेकर पर लाद दिया और इसे लेकर वे बुलंदशहर गढ़मुक्तेश्वर हाईवे पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस बीच पुलिस वहां आ गई। वो ट्रैक्टर के आगे खड़े होकर भीड़ को शांत कराने की कोशिश करा रही थी। तहसीलदार ने कहा था कि हम चाह रहे थे कि मामला वहीं शांत हो जाए, लेकिन भीड़ हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस बीच करीब 100 लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर हाईवे के पास चिंगरावती पुलिस थाने पर पहुंच गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस ने भीड़ से FIR दर्ज करवाने को कहा, लेकिन वो हिंसा पर उतर आए। बुलंदशहर के DM अनुज झा ने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में सुबह 11 बजे सूचना मिली। उन्हें बताया गया कि करीब 15-20 मरी हुई गाय चिंगारवटी और सयाना में गांव वालों को मिली है। उन्होंने कहा कि गांव को लेकर वे सारे लोग चिंगारवटी पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। पुलिस ने इन्हें FIR दर्ज करवाने को कहा, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद मामला थोड़ा और बढ़ा और लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।